हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये दिया है कि बिफोर यू रीड, तो हमारा नाम क्या है चैप्टर का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस हम जानते हैं 25 दिसंबर को जो क्रिसमस सब मनाते हैं, उसके रिलेटेड चैप्टर है। नाम से हमें ये लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर पूरा डिफरेंट है। क्रिसमस रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा ये कैसे हम क्रिसमस मनाते हैं कि क्रिसमस में क्या होता है वो नहीं है। इट्स रिलेटेड टू बेस्ट प्राइज प्रेजेंट। तो वो कौन सी प्रेजेंट है, तो हम इसमें देखेंगे। ये चैप्टर पढ़े उससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जो हमें रीड करने को बोला है, तो हम ये रीड करेंगे। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर दैम। कि कई बार हम डेट याद रखते हैं, कि डेट सिर्फ दी होती है तो उसके रिलेटेड उसके साथ कोई इवेंट जुड़ी हुई होती है। कि जैसे कि कोई एक डेट बोल दे कि 25 दिसंबर, तो हमें सबको पता चल जाता है कि ये क्रिसमस है। वैसे सेम हिस्ट्री में भी कुछ डेट्स ऐसी होती है जो हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई होती है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स। ये स्टोरी भी ऐसे ही एक डेट से रिलेटेड है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। और ये जो बात है उस टाइम की बात है जब वॉर चल रहा था, किसके बीच में, तो ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। कैन यू गेस विच वॉज इट वॉज, तो वो कौन सा वॉर था आप गेस कर सकते हो कि 1914 में कौन सा वॉर हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर, वॉर मीन्स युद्ध, इट वॉज, तो कौन सा वो युद्ध था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो कौन सा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वो कब स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 1914 को वो स्टार्ट हुआ था और 11th नवंबर 1918 को वो फिनिश हुआ था। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ ये डेट और ईयर्स दे देते हैं, तो उससे हम ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हाँ इस डेट को ऐसा हुआ था, हमें पता चल जाता है तुरंत। जैसे कि बोले 1914, जिसको रीडिंग की हैबिट ज़्यादा होगी उनको तो सिर्फ आप डेट बताओगे हिस्ट्री स्टूडेंट को, तो वो समझ जाएगा कि 1914 को क्या हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू। आप जानते हो कि ये जो नीचे डेट्स दी है, ए में दिया है 4th जुलाई 1776, तो ये एक डेट है, तो वो किसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे बी पे दिया है 17 दिसंबर 1903, तो ये टोटल दी है, एफ तक दिया है ना, कि 12th अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। तो यहाँ पर इसके जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 23 पे दिए हैं। द आंसर्स आर ऑन पेज 23, तो आपको ये देख लेना है। जैसे कि ये एक दिया है यहाँ पर 1914, तो 1914 क्या है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो वैसे ये जो सारी डेट्स है वो कोई ना कोई वॉर के कोई ना कोई इवेंट से जुड़ी हुई है, जो पेज नंबर 23 पे इसके आंसर दिए हैं, तो वो आपको खुद करना है। ये समझ लो कि ये आपका होमवर्क है, आप एक बार नोट में लिख लेना। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो पार्ट में डिवाइड है, तो हम भी पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिकपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड का मीनिंग क्या होता है, कि सो मैंने देखा, जंक शॉप मतलब पुरानी चीज़ें जहाँ मिलती है ना उसको बोलते हैं जंक शॉप। तो ब्रिकपोर्ट एक जगह का नाम है, जैसे कोई हमारे मार्केट का नाम हो, तो वैसे मार्केट जो है उसका नाम है ब्रिकपोर्ट। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिकपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। उसने देखा, क्या देखा, एक रोल टॉप डेस्क, एक प्रकार का टेबल आता है जिसके ऊपर रोल जैसा होता है, तो वो पूरा खुल सकता है और क्लोज भी हो सकता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो शॉपकीपर था, शॉप का जो ऑनर था, तो उसने क्या बोला कि ये जो है टेबल
वो कैसा है, 19th century का है और ओक ट्री से बना हुआ है, क्योंकि वुड अलग अलग आते हैं, सारे ट्रीज अलग अलग होते हैं, तो ये टेबल किससे बना है, ओक ट्री से। आई हैड वॉन्टेड वन, और जो राइटर है उसको ये चाहिए था। आई मतलब आपको क्या समझना है, ऑथर, जो ये चैप्टर जिसने लिखा है वो ऑथर। आई हैड वॉन्टेड वन, और मुझे भी ऐसा रोल टॉप डेस्क पहले से ही चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन क्या है वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, जो रोल टॉप डेस्क की जो ऑथर बात कर रहा है, राइटर, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। दिस वन वॉज इन अ बेड कंडीशन, ये बहुत ही खराब कंडीशन में था, जंक शॉप में, मतलब पुरानी वाले शॉप में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, वन लेग क्लम्सीली बेंडेड, मतलब वो बहुत ही खराब हालत में था, जो रोल टॉप डेस्क था वो राइटर को पहले से ही चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब महंगा आता है तो वो कभी खरीद नहीं पाए थे, और ये पुरानी शॉप में से आप खरीदने जाओ, सेकेंड हैंडेड माल हम बोलते हैं वो, तो वहाँ पर आपको सस्ता मिलता है, लेकिन ये जो डेस्क था वो बहुत ही खराब हालत में था, क्लम्सी मतलब बहुत ही खराब हालत में वो था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड पे तो स्कॉर्च मार्क्स थे, भाई स्कॉर्च मार्क्स मीन्स क्या, तो यहाँ पर दिया है बर्न मार्क्स, मतलब कोई फायर हुआ होगा उसमें वो थोड़ा जल गया होगा। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और जो वो उसकी कीमत थी बहुत ही कम थी, कम प्राइस में वो शॉप वाला दे रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और राइटर क्या सोच रहा है कि हाँ मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, भले टूटी हुई है टेबल लेकिन मैं उसको ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, ये रिस्क होगा मेरे लिए कि मैं खरीद तो लेता हूँ, अगर मैं इसको सही कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा तो ये मेरे रिस्क होगा, लेकिन मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसको पहले की इच्छा थी कि नहीं मुझे ये रोल टॉप डेस्क चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, मैंने क्या करा, उसको पैसे दिए, वो टेबल ले लिया और मेरे घर के पीछे वर्क रूम है, बैक ऑफ द गैराज मतलब जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखते, घर का सामान हम रखते, वहाँ पर वो उसको लेके गया। आई बिगम वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उसको क्रिसमस ईव, किसको बोलेंगे कि क्रिसमस जिस दिन होती है 25 December, तो 24 की जो नाइट होती है उसको क्रिसमस ईव बोलते, तो उस दिन उसने ये सही करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, रोल टॉप डेस्क में क्या होता है, ऊपर से पहले जो गोल शेप में होता है वो उसने रिमूव करा, और फिर ड्रॉवर्स, टेबल्स में जो ड्रॉवर्स होते हैं वो उसने रिमूव करे। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर मतलब क्या, तो विनीर मतलब जो टेबल होता है, जैसे ये टेबल है एक जिसके ऊपर हमने बुक रखी है, तो टेबल के ऊपर एक शाइन आए इसके लिए हम प्लास्टिक का एक ऐसा कवर कोटेड करते हैं, तो उसको विनीर बोलते हैं। यहाँ पर भी दिया है, अ थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, कोई भी लकड़ी का वर्क होता है कि उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर अच्छे से साइन करे ऐसा, तो यहाँ पर आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो उसके ऊपर का जो लेयर था वो सब जगह से निकल रहा था, मतलब जो टेबल था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मतलब वो जो टेबल था रोल टॉप डेस्क उसको डैमेज करा था किसने, एक साइड से तो फायर ने डैमेज करा था, और अभी राइटर को पता चला कि ये तो वाटर से भी डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन देयर डेस्क, मतलब वाटर और फायर दोनों ने अपना काम बहुत अच्छे से करा था, मतलब पूरी तरीके से टेबल को खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, मतलब राइटर ने है ना सारे ड्रॉवर्स निकाले, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉवर था टेबल के अंदर, लास्ट वाला ड्रॉवर वो क्या हो गया था, स्टक फास्ट मतलब फिट हो जाना। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू सी इट आउट जेंटली, पहले तो राइटर ने क्या करा कि जेंटली अच्छे से स्लोली स्लोली उसको बाहर निकालने का ट्राई करा।
इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स मीन्स क्या होता है कि जोर से, पहले शांति से अच्छे से प्यार से निकालने की कोशिश करी लेकिन वो निकला नहीं. फिर उसने ज़्यादा जोर, मतलब जितनी ताकत हो उतना पूरा फोर्स लगा दिया. ब्रूट फोर्स मतलब जोर से निकालना. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. मतलब मैंने फिस्ट मीन्स मुट्ठी, जो हमारे हाथ की मुट्ठी होती है ना, यहाँ से मैंने उसको जोर जोर से मार के फिर मैंने निकालने की कोशिश की तो वो वहाँ से निकल गया. और वहाँ पर क्या था, फ्ल्यू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, मतलब एक बहुत उंडी जैसी जगह हो वहाँ पर, वैसे एक सीक्रेट ड्रॉअर था टेबल के अंदर, लास्ट जो ड्रॉअर स्टक हो गया था उसने उसको फोर्स से निकाला और उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था. देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर कुछ था, जो सीक्रेट ड्रॉअर था उसमें भी कुछ रखा हुआ था. आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. तो राइटर ने देखा कि अंदर टेबल के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर है, ड्रॉअर के अंदर भी एक टीन बॉक्स है. टीन मतलब एक प्रकार का धातु आता है, तो वो टीन बॉक्स था, तो उसने वो टीन बॉक्स निकाला अंदर से. सैलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. और उस टीन बॉक्स पे सैलो टेप से ऊपर एक नोट चिपकाई हुई थी और उसके ऊपर जो लिखाई थी वो कैसी थी, शेकी हैंडराइटिंग. जब हमारे हाथ ध्रुजते हो और हम लिखते हो ना, तब ऐसी हैंडराइटिंग आती है. जिम्स लास्ट लेटर, और उसके ऊपर क्या लिखा था कि जीन्स लास्ट लेटर. वो कोई जिम पर्सन है, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आया जिम, तो जिम लास्ट लेटर, वो जिम का लास्ट लेटर था. रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. और वो कब मिला था, रिसीव कब हुआ था, जनवरी 25, 1915. यहाँ पर आप अंडरलाइन कर दो कि वो लेटर कब रिसीव हुआ था, तो जनवरी 15, 1915. और किसने किसका लास्ट लेटर था, तो जिम का लास्ट लेटर था. टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स. और उसके ऊपर दूसरा क्या लिखा था कि जब मेरा लास्ट, ये जो चिट्ठी है वो जब मैं मर जाऊँ तो वो भी मेरे साथ आप दफना देना. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. राइटर को पता है कि ऐसी चिट्ठी एक मिली है जिसके ऊपर ऐसा क्लियरली लिखा है कि ये जो चिट्ठी है वो जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ उसको दफना देना, ऐसा ऊपर लिखा है क्लियरली. फिर भी राइटर क्या सोच रहा है कि आई न्यू, राइटर को पता है कि ये चिट्ठी ओपन करके देखना, क्योंकि दूसरों की चिट्ठी पढ़ना वो बुरी बात है ना, तो राइटर को भी ये पता है. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, वो गलत होगा टू ओपन द बॉक्स, ये बॉक्स खोलना बहुत ही गलत होगा. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. लेकिन जो क्यूरियोसिटी है उसको देखने की, अंदर वो चिट्ठी में क्या है, वो अंदर टीन में क्या है, वो देखने की जो आतुरता है उसकी वजह से वो उसकी वो जो इच्छा थी उसको पता है. स्क्रपल मीन्स क्या हो, कि कुछ ऐसा काम करना जो हमें पता है कि वो गलत है फिर भी हम कई बार करते हैं, उसको बोलते हैं क्रपल्स. मतलब असमंजस, असमंजस में रहना कि ये काम करूँ कि ना करूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं करना है फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वो कर देते हैं. इट यूजुअली डज, सब करते हैं. राइटर भी क्या सोचता है कि क्यूरियोसिटी में तो सब करते हैं, है ना, तो उसने भी यही सोचा. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. और वो बॉक्स, वो टीन में क्या था, एक एनवलप था. द एड्रेस रीड, उसके ऊपर एड्रेस था मिसिज जिम मैकफर्सन. देखो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आया, मिसिज जिम मैकफर्सन, मतलब ये जो लेटर किसने लिखा था, जिम ने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था. किसको लिखा था, अपनी वाइफ मिसिज जिम मैकफर्सन. 12 कॉपर बीचिस ब्रिकपोर्ट डोजर्ट, मतलब यहाँ ये एड्रेस है. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मतलब ऑब्वियसली अनफोल्डेड मतलब वो फोल्ड करके रखा हुआ एक लेटर था. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप. और वो जो पूरा लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट क्या लिखी थी, टॉप मतलब उसके ऊपर December 26, 1914. मतलब ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि December 26, 1914 को ये लेटर लिखा था
और जिम को, जिम मैकफर्सन को मतलब उसकी वाइफ को कब मिला था रिसीव्ड डेट, तो जनवरी 25, 1915, तो दिसंबर 26, 1914 को ये लेटर लिखा गया था, और मिसिस जिम मैकफर्सन को ये जनवरी 25, 1915 को ये रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर देखो कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एक राइटर है जिसको पहले वो एक जंक की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक वो रोल टॉप डेस्क देखते हैं जो पहले से उनको बहुत ही अच्छा लगता था कि मुझे ये ख़रीदना है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, महंगा आता है, इसके लिए वो ख़रीद नहीं पाते। जब वो यहाँ पर देखते वो टूटी फूटी हालत में, फिर भी वो ऐसे मान जाते कि नहीं मुझे तो चाहिए, और वो टेबल खरीद लेते, परचेस कर लेते। और जब वो उसको ठीक करने बैठते तब वो सारे ड्रॉवर्स निकालते हैं, उसमें से एक ड्रॉवर फिट हो जाता है एकदम, तो वो बहुत फोर्सफुली वो उसको ड्रॉवर को खोलते, तो उसके अंदर एक सीक्रेट जगह मिलती है, सीक्रेट ड्रॉवर्स होता है, तो वो खोलते हैं, उसमें से एक टीन बॉक्स मिलता है, वो टीन बॉक्स खोलते हैं, उसको उसके ऊपर लिखा होता है पहले तो कि ये मैं मरूँ तब उसके साथ ही, मेरे साथ ही उसको दफनाया जाए। और क्यूरियोसिटी राइटर की इतनी बढ़ जाती है, फिर भी वो टीन बॉक्स खोल देते हैं और उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होता है, और वो पेंसिल से उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर हम हमारा एक चैप्टर जो है वो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक रखते हैं, और यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, उसमें है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, ये आपका होमवर्क रहेगा कि जंक शॉप में उनको क्या मिला। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर में से उनको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैव पुट इन देयर, और वो किसने रखा होगा, क्या होगा अंदर, ऐसे हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, अंदर क्या होगा, क्या लिखा होगा, मतलब उस जो चिट्ठी में क्या लिखा होगा वो। तो यहाँ पर आपको अपनी तरीके से, मैं आपको PDF सेंड करूँगी नो डाउट, लेकिन फिर भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई करो, है ना। ये जो क्वेश्चन आंसर है उसके मैं आंसर आपको सेंड करूँगी, लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप खुद ट्राई करो। तो यहाँ पर हम हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 रखते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।